नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। आज ब्रज सहित समूचे देश और विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के अधिकारियों ने भी बताया कि कोविड की वजह से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद नहीं देने का फैसला किया गया है। वहीं बता दें, वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की विशेष व्यवस्था की गई है और आज ऐसे में आधी रात से दर्शन शुरू हो जाएंगे। वहीं मंगल दर्शन साल में एक बार महज 2 घंटे के लिए होते हैं। उधर दिल्ली के मंदिरों में भी कोरोना के चलते भक्तों के बिना पूजा ही होगी और ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिरों में की गई सुबह की आरती और ऐसे में नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के अवसर पर सुबह सुबह भक्तों ने हरे कृष्ण की धुन पर नृत्य भी किया। तो आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और घर घर पर हर कोई श्री कृष्ण का स्वागत करेगा और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से कर ली गई हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ब्रज में चारों तरफ धूम मची हुई है। जहां एक तरफ कृष्ण जन्म स्थान पूरी तरह से जन्म के लिए दुल्हन की तरह सजकर अपने कृष्ण कन्हैया के स्वागत के लिए तैयार है, तो वहीं वृंदावन में भी ठाकुर देवकी नंदन में मंदिर में प्रियकांत जू मंदिर में भी भगवान के इस जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज बड़े ही सुंदर तरीके से दीपों के साथ पूरे मंदिर को जगमग सुनहरी भव्यता के साथ सजाया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए भक्तों के साथ उनके आराध्य श्री प्रियकांत जू भी वहां श्री कृष्ण जी का स्वागत कर रहे हैं। वहीं मथुरा में आज ही श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम जो है वो चारों तरफ देखने के लिए मिल रही है। चाहे सड़क हो या मंदिर, हर जगह श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम छाई हुई है और ऐसा ही दिखाई भी दे रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज मंगला आरती के समय भगवान का पंचामृत से अभिषेक भी किया गया। जैसे ही अभिषेक शुरू हुआ तो भक्तों में जोरदार उत्साह देखने को मिला, जहां पर हर भक्त राधे राधे के नारे लगाने लगे, जिस पर सेवायत पुजारियों के द्वारा दूध दही शहद बूरा और घी से अभिषेक किया गया, जिसे आप भी देख सकते हैं और दर्शन कर पुण्य लाभ भी कमा सकते हैं और राधे राधे गाते हुए श्री कृष्ण के जन्मदिन का आनंद ले सकते हैं। तो मथुरा में तैयारियां जोरों शोरों से हैं और ऐसे में सड़क से लेकर मंदिरों तक पूरी तरफ चारों तरफ धूम देखने को जन्माष्टमी की मिल रही है। कहते हैं कि जो करे मंगला ना रहे कंगला, ऐसी ही आरती की आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। मैं समय मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, जहाँ पर आज जन्माष्टमी के दौरान जो मंगला आरती होती है, जिसका विशेष महत्व होता है, आज वो आरती की जा रही है और उस आरती के मैं आपको लाइव फुटेज यानी दर्शन करा रहा हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राधा कृष्ण जो है बड़े ही मनोहारी जो है पोशाक पहने हुए हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, जो सेवा पुजारी है वो उनकी मंगला आरती कर रहे हैं। और कहते हैं कि इस मंगला आरती का एक बड़ा ही विशेष महत्व होता है, जिसका कि जन्म स्थान पर सिर्फ जन्मभूमि पर जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान के दौरान जिस जैसे जन्मोत्सव होता है, उसी दिन जन्माष्टमी के दिन यह मंगला आरती की जाती है। उसको लेकर के यहाँ पर लोगों की भीड़ है, जो लोग हर कोई ये चाहता है कि अगर भगवान की मंगला आरती का दर्शन हो तो उसका साल भर बड़ा ही अच्छा और बड़े ही मनोहारी दृश्य, मतलब कहते हैं कि जिस तरह से उनका बहुत सफर गुजरता है, ऐसे ही मंगला आरती के दर्शन आज हम आपको करवा रहे हैं अपने चैनल के साथ साथ। और आप, मैं आपको आप कह दूं, इस तरह की आरती साल भर में सिर्फ सुबह होती है, जिसका कि साल भर में सिर्फ आज के दिन ही आयोजन किया जाता है और जिसके दर्शन करके सभी लोग बड़े प्रफुल्लित होते हैं। सुरेश सैनी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मथुरा। जन्मी जहाँ प्रकट हुआ और वहाँ प्रियकांत जी मंदिर में ये भव्य तैयारी
गई। आज हम 3 बजे से उठे हुए हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, और सुबह से लाइन में लग के तब जाके इनके दर्शन मिले हैं हमें यहाँ पे। हम बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाएंगे, उन्हें प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ाकर उनका जन्मदिन मनाएंगे आज। बता दें आज कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है पूरे देश में, और ऐसे में मथुरा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह के समय आरती की गई और वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचते हुए नजर आए, और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज मंगला आरती के समय भगवान का पंचामृत के साथ अभिषेक किया गया, और जैसे ही अभिषेक शुरू हुआ भक्तों में जोरदार उत्साह देखने के लिए मिला, और जहां पर हर भक्त राधे राधे के नारे लगाते हुए भी नजर आए, और वहीं पुजारियों के द्वारा दूध दही शहद बूरा और घी से अभिषेक किया गया। बता दें जिसे आप भी देख सकते हैं और दर्शन कर पुण्य लाभ कमा सकते हैं, और राधे राधे गाते हुए श्री कृष्ण के जन्मदिन का आनंद ले सकते हैं। तो आज पूरे देश में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है श्री कृष्ण का, ऐसे में तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी, और आज हर घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लोगों में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें भी आप ये जन्मभूमि की मथुरा से देख सकते हैं सीधे तौर पर, जहां पर तैयारियां जो है किस तरह से की गई है आप देख सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, कैसा मथुरा में नजारा इस समय देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी पारुल, मैं आपको बता दूं मथुरा में इस समय हर तरफ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम मची है, हर तरफ राधे राधे के नारे गूंज रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, जय वल्लभ लाल की, ऐसे नारों के ऐसे जोरदार जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है भक्तों में। और सुबह से एक जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव को दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी है वो देखने लायक है, क्योंकि हर तरफ लंबी लंबी लाइन है और भक्तों की यहाँ देखने को मिल रही है। सुबह मंगला आरती के दर्शन के लिए भक्त बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे थे, और उसके क्योंकि भगवान जिस तरह से रंगीली हरिचंद्र का पोशाक पहने हुए हैं उसमें बड़े मनोहारी और सुंदर दर्शन उनके देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सुरेश, और सुरक्षा की क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि देखिए जन्मभूमि पर हजारों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु इस दिन पहुंचते हैं, क्योंकि जन्मभूमि पर जो नजारा होता है वो देश में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता, इससे सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? जी पारुल, मैं आपको बता दूं सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और मथुरा हिंदू मिथिला के आगरा के आसपास कई जिलों का फोर्स यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें पीएसी डॉग स्क्वाड के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की और महिला पुलिस बल भी बड़ी संख्या में लगाया गया है। कई जोन और सेक्टर में इस जन्मभूमि के आसपास रेड जोन और येलो जोन को बांटा गया है, और उसमें जहां पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल सुरेश, और कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि पिछले साल की भी बात कर ली जाए तो पिछले साल भी मंदिरों में जो है मंदिर बंद थे कोरोना की वजह से, हालांकि इस बार भी कोरोना गाइडलाइंस का जरूर पालन कराया जा रहा होगा, लेकिन इस समय इस और इस दिन आज के दिन उत्साह काफी ज्यादा होगा, क्योंकि पिछले साल इतने अच्छे तरीके से नहीं जन्माष्टमी मना पाए थे लोग, जितनी छूट इस बार दी जा रही है। पिछली बार कोविड के कारण भक्त जो है भगवान के दर्शन नहीं कर सके थे, और इस बार क्योंकि यूपी में थोड़े कोविड का लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है, तो उसी को लेकर भक्तों का उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है, और भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और अपने भगवान के दर्शन कर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पुण्य कमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल सुरेश, और कहीं ना कहीं मथुरा में घर घर जो है ये नजारा देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि जो भक्त हैं आज घर पर झांकी भी सजाते हैं और तैयारियां जो है वो पहले से ही कर ली गई है, तैयार है, और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने घर में भी अपने भगवान के जन्मोत्सव को तरह तरह से मनाने की तैयारी की है, जिसमें कहीं उनका केक काट जाएगा तो कहीं लोग भक्त और जो है उनके व्रत को लेकर के पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी बिल्कुल सुरेश, चलिए आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, और साथ ही साथ आप जन्मभूमि से भी लगातार हमें अपडेट देते रहिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा में देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं जन्मोत्सव को लेकर, काफी तैयारियां हैं और सबसे ज्यादा भक्तों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सुबह के समय जब जन्मभूमि पर मंगला आरती हुई तो लोगों में भक्तों में काफी उत्साह देखने के लिए मिला, और हर कोई राधे राधे के नारे लगाता हुआ नजर आया।
श्री कृष्ण के अवतरण का उत्सव जन्माष्टमी इस बार घरों में मनाने की तैयारी है। जी हां, कोरोना संकट की वजह से मंदिरों में आयोजन न होने से घर घर कान्हा की झांकी सजाने को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बदलते हालात में भी नटखट नंदलाला का जन्मोत्सव यादगार मनाया जाएगा और इसके लिए लोगों ने घर के मंदिर को सजा लिया है और वहां अब कान्हा की बाल लीलाओं से जुड़े प्रसंगों की झांकी भी सजाई जाएगी और लोगों ने इसके लिए बाजार से तरह तरह के सामान लिए हैं। वहीं कान्हा के लिए बांसुरी, मोरपंख, पीताम्बरी, कुंजल, चंदन, झूला, मटकी, गुलेल भी खरीदे हैं। वहीं दही, माखन, मिश्री और केसर लड्डू से भोग लगाने का इंतजाम भी किया गया है। ऐसे में बाजारों में भी लोगों की भीड़ दुकानों पर देखी गई है। खासकर महिलाओं और बच्चे इस दिन के लिए काफी उत्साहित नजर आते हैं। ये बड़े ही प्रेम से श्याम सलोने की पसंद की वस्तुएं खरीदते दिखाई देते हैं और ऐसे में बाजारों में भी पर्व को लेकर काफी भीड़ रही है। ऐसे में लोग खरीदारी करते हुए नजर आए और शहर के बता दें कई इलाकों में लोगों में उत्साह काफी देखने को मिला और ऐसे में आज घर घर भी है झांकी जो है वो सजाई जाएगी और बच्चे जो हैं वो काफी उत्साहित इस दिन नजर आते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जी हां, इसी के साथ रेल मंत्रालय ने 10 सितंबर से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मंजूरी भी दे दी है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे महाराष्ट्र में आने वाले गणेश उत्सव के दौरान 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें से मध्य रेलवे महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र की ओर उत्सव की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 63 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाएगा और ऐसे में मध्य रेलवे ने पहले ही 112 विशेष गणपति ट्रेनों और पश्चिम रेलवे ने 42 विशेष ट्रेनों की घोषणा गणपति उत्सव को देखते हुए कर दी थी। नई ट्रेनें पहले से ही घोषित ट्रेनों के अलावा हैं और ऐसे में लोकमान्य तिलक टर्मिनस रत्नागिरी स्पेशल 01253 स्पेशल जो 10 सितंबर को चलेगी, ऐसे में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वो 5:33 पर प्रस्थान करेगी और उसी दिन 12:45 पर रत्नागिरी पहुंचेगी। वहीं 01254 विशेष गाड़ी रत्नागिरी से 10 सितंबर को दोपहर 1 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 8:50 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर पहुंचेगी। वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर संतापगढ़ी रोड पे स्पेशल ट्रेन 01257 स्पेशल लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रत्येक शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी जो 4 सितंबर से 14 सितंबर तक 10:40 से प्रस्थान करेगी और उसी दिन 11:50 पर सांतवाड़ी रोड पर पहुंचेगी। तो ये वो तमाम ट्रेनें थी जो अब गणेश उत्सव को देखते हुए रेलवे की तरफ से चलाई जाएंगी और ऐसे में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है और इसीलिए रेलवे मंत्रालय ने ये कुछ ट्रेनें जो है वो अलग से चलाने की तैयारी की है। टोक्यो में खेले जा रहे पैरा ओलंपिक खेलों में 41 साल के बीएसएफ जवान विनोद कुमार ने डिस्क थ्रो में बता दें ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। हालांकि कुछ ही समय के बाद आयोजकों के एक फैसले की वजह से विनोद का ब्रॉन्ज मेडल जीतने का जश्न फीका पड़ गया। दरअसल आयोजकों ने विनोद कुमार का रिजल्ट होल्ड पर रख दिया है और अब जानकारी ये मिली है कि इस पर फैसला सोमवार को यानी कि आज आएगा और ऐसे में विनोद को क्वालिफिकेशन में F52 में रखा गया है। इसमें वो एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनकी मांसपेशियों की क्षमता कमजोर होती है और उनके मूवमेंट्स सीमित होते हैं। ऐसे में हाथों में विकार होता है या पैर की लंबाई में अंतर होता है जिससे खिलाड़ी बैठकर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। वहीं रीढ़ की हड्डी में चोट वाले या ऐसे खिलाड़ी जिनका कोई अंग कटा हो वो भी इसी वर्ग में हिस्सा लेते हैं। तो यानी कि विनोद कुमार का जो मैच था ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था उन्होंने, लेकिन आयोजकों ने रिजल्ट जो है उनका वो होल्ड पे रखा जिसका फैसला आज आएगा और ऐसे में अब देखना है कि विनोद को कौन सा मेडल मिलता है और किस तरह की वो जीत हासिल कर पाते हैं।
टोक्यो में खेले जा रहे पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के निशात कुमार ने इतिहास रच दिया है। जी हां, निशात कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को एक और मेडल दिला दिया है। उन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। शानदार प्रतिभा के धनी निशात कुमार शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 3 में पहुंचे थे। उनका मुकाबला अमेरिका के 2 एथलीट से हुआ था। बता दें, निशात कुमार ने रविवार को टोक्यो पैरा ओलंपिक की पुरुषों की ऊंची T46 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता था। कुमार ने 2.06 मीटर की कूद लगाकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया और दूसरे स्थान पर वो रहे। ऐसे में अमेरिका के डलास वाइज को भी रजत पदक दिया गया क्योंकि उन्होंने और कुमार दोनों ने ही एक समान मीटर की कूद लगाई थी। वहीं एक और अन्य अमेरिकी रोडिक ने भी, बता दें, 2.15 मीटर की कूद के साथ विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ये भारत का टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा मेडल है और इससे पहले, बता दें, भाविना बेन पटेल ने रविवार को महिलाओं की एकल टेबल टेनिस क्लास 4 स्पर्धा में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। तो बता दें, टोक्यो में होने वाले इस पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी लगातार जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में निशात कुमार ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और मेडल अपने नाम कर लिया है, भारत को एक और मेडल जिता दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक की बात हो या टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हो। और लगातार जो है पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार पुलिस अब हाईटेक होती नजर आ रही है। जी हां, हरिद्वार में चल रहे सीपीयू वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। सैमसंग टैग के जरिए अब ये वाहन पुलिस कंट्रोल रूम से आसानी से कंट्रोल हो सकेंगे। और ऐसे में एसएसपी सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस ने हरी झंडी देकर इन वाहनों को रवाना कर दिया है। इस दौरान, बता दें, उन्होंने बताया कि अभी ट्रायल बेस पर इन वाहनों में सैमसंग टैग लगाकर जीपीएस से जोड़ा गया है और अगर आगे ये तकनीक कामयाब होती है तो सीपीयू के साथ ही चेतक आदि सभी वाहनों को भी इस तकनीक से जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जीपीएस सिस्टम लगने के बाद अब ये सभी वाहन पुलिस कंट्रोल रूम की निगरानी में रहेंगे और अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो तुरंत ही इन वाहनों को ट्रेस कर घटना स्थल पर भेज दिया जाएगा। दो कार्यक्रम है, एक सीपीयू का इंग्रेशन भी है और दूसरा है हमारा जो सीपीयू है उसका जो है एक सैमसंग का टैग डिवाइस जो होता है वो एक जीपीएस डिवाइस होता है, उसका लोकेशन जो है रियल टाइम में मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसको आज हमने 5 यूनिट जो है सीपीयू का प्रथम चरण में हमने दिया है। इसका उद्देश्य है कि हमारा डीजीपी महोदय का भी आदेश है कि हमारा उत्तराखंड पुलिस का टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस बनाना है। उसी क्रम में जो है आज हमने इस टैग डिवाइस को दिया है। इससे जो है हमारा जो भी हाक है इसका लोकेशन रियल टाइम में हमें पता चल जाएगा। इसका मॉनिटरिंग जो है कंट्रोल रूम से हम करेंगे। इसके सक्सेस होने के बाद अगले चरण में जो है हमारा सभी थाने का क्षेत्रक और रुड़की का सिक्की सबका जो है इसका टैग का डिवाइस देंगे ताकि जो है जो कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर बैठे हैं वो रियल टाइम में देख सकता है कि ये चेतक का लोकेशन है, यहाँ का लोकेशन कहाँ है और तत्काल रूप से जो भी हमारे पास SOS कॉल आता है, एमरजेंसी कॉल, उसका नज़दीक को पहचान करके तुरंत उधर मौके पर पहुँचा दें। रानीपुर में हो रही लगातार चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से निर्देश दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक नगर और सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम की तरफ से सुमन नगर क्षेत्र में एक बड़ी निर्माणधीन मकान के अंदर से 3 लड़कों को चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया। साथ ही चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया गया। वहीं बता दें, पकड़े गए अभियुक्तों से बरामद हुए अन्य सामान के संबंध में पूछताछ भी की गई। फिलहाल अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है।
जहां देश की बेटियां हर रोज देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, हर जगह अपने हुनर के दम पर एक नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। वहीं उत्तरकाशी की बेटियां भी पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी लगातार नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के बरसाली गांव की 22 साल की अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एबुलेस, जिसकी बता दें 5,642 मीटर की ऊंचाई है, उसका सफल आरोहण किया है। अनामिका बेस्ट माउंट एबुलेस का आरोहण करने वाली टीम की टीम लीडर थी। आपको बता दें कि अनामिका के साथ दो अन्य लोगों ने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का आरोहण किया है। वहीं अनामिका बेस्ट माउंट एबुलेस का सफल आरोहण करने वाली उत्तरकाशी की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है। तो बता दें एक बार फिर देश की बेटी ने नाम रोशन किया है, और साथ ही उत्तरकाशी की अनामिका ये रहने वाली हैं जिन्होंने यूरोप के सबसे ऊंचे द्वीप का जो है वो चढ़ी हैं, और वहां पर वो अपनी टीम की लीडर भी थी, टीम लीडर बनकर पहुंची थी वहां पर, और ऐसे में बहुत ही आसानी से उन्होंने आरोहण किया है। और साथ ही बता दें अनामिका उत्तरकाशी की रहने वाली हैं और वो पहली पर्वतारोही बन गई हैं, ऐसे में वो उन्होंने अपनी टीम को लीड भी किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अनामिका के साथ दो अन्य लोगों ने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का आरोहण किया है। वहीं अनामिका बेस्ट माउंट एबुलेस का सफल आरोहण करने वाली उत्तरकाशी की पहली महिला पर्वतारोही बन चुकी हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा कल्याण चमोली के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेविका वंदना गोसाई की तरफ से तलवाड़ी से लोल्ठी के बीच 6 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और तलवाड़ी में ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ भी किया। वहीं बता दें लोल्ठी में दौड़ का समापन होने पर दौड़ में हिस्सा लेकर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले युवक युवतियों को मेडल और स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। और ऐसे में कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख थराली कविता देवी समेत तमाम जनप्रतिनिधियों भी मौजूद रहे थे। तो ऐसे में तस्वीरें देख सकते हैं चमोली की हैं, जहां पर नेहरू युवा कल्याण ने कहना ये मैराथन दौड़ का आयोजन कराया, और ऐसे में बहुत सारी संख्या में बढ़ चढ़कर युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया, और ऐसे में उन सबको सम्मानित भी किया गया, इनाम भी दिया गया। पहले दूसरे तीसरे स्थान सब की घोषणा करते हुए इनाम भी इन सभी को दिया गया। जहां एक और देश में हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जी को तमाम बड़े नेता याद कर रहे थे, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसी उपलक्ष में गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी इसमें जॉगिंग करते हुए भाग लिया। बता दें इसका आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल विभाग उत्तराखंड और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ की तरफ से किया गया था, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करते हुए खेल दिवस की सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की नई खेल नीति लाएगी जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए संसाधनों की कमी न रहे। ऐसे में राज्य सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित भी किया जाए, वहीं किसी भी चीज में अभाव में खेल प्रतिभा दबी न रहे, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर भी मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 4 दिवसीय यूपी दौरा खत्म हो गया। बता दें कल वो अयोध्या पहुंचे थे, साथ ही महामहिम ने वहां पर्यटन और संस्कृति विभाग में आयोजित जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी कर दिया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ रामायण कॉन्क्लेव में मौजूद रहे, और ऐसे में पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में है। वहीं साथ ही बता रहे हैं कि सीएम योगी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने का लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था, लेकिन पीएम मोदी की अनुकंपा और उनके प्रयास से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है।
बाराबंकी जिले में मिशन शक्ति का तीसरा चरण के अभियान के तहत महिला थाना प्रभारी की ओर से जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उपस्थित महिलाओं और बच्चियों को चुप्पी तोड़ते हुए अपराध के खिलाफ बोलने के लिए जागरूक किया गया और ऐसे में इसी कड़ी में बड़ा गांव में महिला थाना प्रभारी शिखा सिंह ने स्टाफ के साथ मिशन शक्ति अभियान भी चलाया, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। तो लगातार मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला और बच्चियों को उनके अधिकार के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है और लगातार उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।